Hello guys, good afternoon and welcome to example. Good afternoon everyone. Environment का 2020 से में जो important environment के current section है उसको हम लोग देखते हैं, जो topics या जो भी species कोई भी किसी वजह से अगर news में रही है तो उसको सब लोग हम लोग एक बार देख लेते हैं, जिससे 10th of October को अगर कोई question आता है तो हम उसको सही कर सकते हैं। तो सभी लोग फटाफट इस सेशन से जुड़ जाओ, सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दो, मैक्सिमम आप शेयर कर दो। जिन लोगों को इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना है उन्हें तो जरूर ये सेशन देखना चाहिए, जिनको अगली बार भी देना है तो उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि 6th ऑफ अक्टूबर 2022 को एग्जामिनेशन होगा आपको, तो आपके पास में टाइम नहीं है। जो लोग 2022 का एग्जाम देने चाह रहे हैं उनके पास में टाइम नहीं है, क्योंकि 6th ऑफ जून को पेपर है आपका। तो आप सभी लोगों को पता भी होगा, यूपीएससी ने कैलेंडर दे भी दिया है कि आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा वो 6th ऑफ जून 2022। तो बस आपके पास में 8-9 महीने हैं, ठीक है, और उसमें आपको मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल नहीं है, कुल मिलाकर के 21 वालों के लिए तो है ही नहीं, 22 वालों के लिए भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर टाइम किसी के लिए है तो वो 23 में जो एग्जाम देंगे उनके पास में है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन, ठीक है, यानी ये टॉपिक हमारा वर्ल्ड राइनो डे, ठीक है। तो राइनोसेरॉस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको जो एक फ्लैगशिप स्पीसीज में है, फ्लैगशिप स्पीसीज मींस जिसको बचाने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही, प्रोजेक्ट चला रही है, तो राइनोसेरॉस एक फ्लैगशिप स्पीसीज है और पूरे वर्ल्ड में इसके कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें इंडिया में 1 हॉर्न राइनोसेरॉस पाए जाते हैं और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में राइनोसेरॉस से रिलेटेड एक डे मनाया जाता है, यानी हर साल जो 22nd ऑफ सितंबर होता है वो राइनो डे मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 2020 में भी सेलिब्रेट किया गया, हर बार मनाया जाएगा। और वर्ल्ड राइनोसेरॉस डे वाज अनाउंस बाय द WWF, यानी किसने अनाउंस किया, 2010 में WWF ने इस डेट को वर्ल्ड राइनो डे के लिए सेलिब्रेशन के लिए अनाउंस किया है, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है और देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा स्टेटस क्या है, ठीक है। हाउ एंडेंजर्ड आर द वर्ल्ड्स राइनो स्पीसीज, तो पहले देखो व्हाइट राइनो स्पीसीज, ठीक है, इनकी 2 सब स्पीसीज होती हैं, व्हाइट राइनोज जो होते हैं इनके 2 सब स्पीसीज हैं, और इनका अगर देखा जाए तो स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड स्टेटस है, यानी इनका स्टेटस कैसे है, नियर थ्रेटेंड। गुड इवनिंग अंजलि, ठीक है। तो ये व्हाइट राइनोसेरॉस जो है ये नियर थ्रेटेंड है। उसके बाद में ब्लैक राइनोसेरॉस को अगर देखा जाए तो इनके 4 सब स्पीसीज हैं और जिसमें से 1 जो है एक एक्सटिंक्ट कर दी गई है, यानी डिक्लेयर कर दी गई एक्सटिंक्ट। तो जो ब्लैक राइनोसेरॉस है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ध्यान रखना ये कैसे है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और फिर ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोसेरॉस जो होते हैं, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, यानी कैसे हैं, वल्नरेबल। तो इंडिया में जो 1 हॉर्न राइनोसेरॉस पाए जाते हैं ये वल्नरेबल है, और साइज में अगर देखा जाए तो जितने भी राइनोसेरॉस के स्पीसीज होते हैं उनमें सबसे बड़े हैं, यानी सबसे बड़ी साइज में ये होते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून गणित कुमार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि एक्सटिंक्ट किसमें से हुआ है, जो ब्लैक राइनोसेरॉस है उसकी एक सब स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हुई है। फिर दूसरा आप देखो यहाँ पे सुमात्रन, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 100 के आसपास में, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी ये कैसे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जावान जो हो जावान, ये भी कैसे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो इंडिया वाले जो है वो वल्नरेबल हैं, उसके बाद में जो है 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना, पॉपुलेशन इनकी जो है वो पॉपुलेशन आप देखो कितनी कम बची हुई है, 67 पॉपुलेशन इनकी है, 100 पॉपुलेशन इनकी है, 3500 पॉपुलेशन ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोसेरॉस की है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है 5040 से लेके 5458 तक, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 19,000 से 21,000 के बीच में। तो ये नियर थ्रेटेंड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये वल्नरेबल है, बाकी दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे इंडिया में 1 हॉर्न राइनोसेरॉस से आपसे पूछ लिया जाएगा दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ध्यान रखना दिस इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दिस इज द इन द कैटेगरी ऑफ द वल्नरेबल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सैंडलवुड स्पाइक डिजीज,
ठीक है, एसएसडी जिसे बोलते हैं। तो सैंडलवुड स्पाइक डिजी क्या होती है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंडिया सैंडलवुड ट्रीज आर फेसिंग अ सीरियस थ्रेट विद द रिटर्न ऑफ द डिस्ट्रक्टिव सैंडलवुड स्पाइक डिजी। ठीक है, तो आप देखो कि सैंडलवुड जो है एक प्रीसियस ठीक है प्लांट होता है, बहुत प्रीसियस प्लांट होता है। ठीक है, इसकी कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इस टाइप के स्पीसीज में या इस टाइप के प्लांट में कोई डिजी आ जाती है जो उसका डिस्ट्रक्शन कर देती है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ऐसे में ये डिजी है सैंडलवुड स्पाइक डिजी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप की डिजी है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, किस टाइप की डिजी है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे सैंडलवुड स्पाइक डिजी जो होती है, इट इज कॉज्ड बाय द फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरियल पैरासाइट्स। ठीक है, ये प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उसमें फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरियल पैरासाइट जो होते हैं वो उस टिश्यूज को डैमेज करते हैं, और जो इंसेक्ट जो वेक्टर्स होते हैं उनसे वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। ठीक है, यानी अगर एक जगह पर ये होता है तो फिर ये इनको वेक्टर कम्युनिटी होती है, वेक्टर स्पीसीज होते हैं जो ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो ये बेसिकली किसको डैमेज करते हैं, यानी फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरियल पैरासाइट्स हैं जो इन प्लांट्स के टिश्यूज को डैमेज करते हैं, और इनको ट्रांसमिट किया जाता है जो इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं, यानी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो इनको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और जिसकी वजह से ये अदर प्लांट्स में भी को इन्फेक्ट करते हैं, और ये डिजीज अगर पूरे जंगल में फैलती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। SSD has been one of the major cause for the decline in the sandalwood production in the country. तो ये एक important reason है sandalwood के decline के लिए production में, और first time इसको हमने declare जो है वो recognize किया था, diagnose किया था 1899 में, यानी first time कब किया था 1899 में इसको first time diagnose किया था कर्नाटका में। कर्नाटका में एक कोदगु जगह है, उस कोदगु जगह पे इसको पहली बार में जो है वो देखा गया था। मोर देन मिलियन सैंडलवुड ट्रीज हैड बीन रिमूव्ड इन द कोदगाव एंड द मैसूर रीजन, और जिसकी वजह से कई मिलियन जो है वो सैंडलवुड्स को हटाया गया, नहीं तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को या सभी सैंडलवुड रीजन को ये क्या करते, कवर कर लेते, इस वजह से इसको हटाया गया। ठीक है, प्रेजेंटली देर इज नो ऑप्शन बट टू कट डाउन एंड रिमूव द इन्फेक्टेड ट्री टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, यानी प्रेजेंट टाइम में इसके लिए कोई हमारे पास में कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम लोग इसको बचा सकें, कोई मेडिसिन नहीं है, सिंपल एक ही दवा होता है, एक ही इसका इलाज है कि जो इन्फेक्टेड एरिया है, इन्फेक्टेड पार्ट है, उसको आप कट करके उसको हटा दो, अदरवाइज सभी जगहों पर फैल जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्रेजेंट टाइम में इसका देखो क्योरेबल नहीं है, यानी इसके लिए हमारे पास में मेडिसिन वगैरह नहीं है। ठीक है, एक ट्रेडिशनल वे हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो इसको हम लोग हटा देते हैं, और इसके हिसाब से लगभग 1-5% सैंडलवुड्स जो होते हैं उनको हर साल क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, इनको हटाना पड़ता है, 1-5% सैंडलवुड जो ट्रीज होते हैं वो लॉस्ट होते हैं इस डिजी की वजह से। तो सोचो कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, सैंडलवुड जैसे प्रीसियस जो प्लांट होते हैं उनको अगर आपको ये डैमेज कर रहे हैं तो हमारा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकल वैल्यू भी रखते हैं, तो इससे हमारा बहुत लॉस होता है। ठीक है, रेड सैंडल्स क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं इसी में। इट इज नेटिव एंड एंडेमिक टू द इंडिया एंड कैन ओनली बी फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ठीक है, रेड सैंडल्स यहीं पर देख लो क्या होता है, रेड सैंडल्स जो होते हैं वेस्टर्न घाट के नेटिव प्लांट्स होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, नेटिव ट्रीज होते हैं, सॉरी वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के नेटिव ट्रीज होते हैं। तो रेड सैंडल्स आर द नेटिव ट्रीज फाउंड इन द ईस्टर्न घाट रीजन। ठीक है, और ये बेसिकली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, और ये पालकोंडा और सेशाचलम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश के रीजन में, केरला के रीजन में, तमिलनाडु के रीजन में, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेनली ये पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट पे, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि देज आर द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ दिस विच रीजन, तो दे आर द एंडेमिक स्पीसीज इन द ईस्टर्न घाट रीजन। ठीक है, ईस्टर्न घाट रीजन में सेशाचलम जो हिल रीजन है आंध्र प्रदेश के रीजन में, वहां पर ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं रेड सैंडल्स। ठीक है, तो रेड सैंडल्स भी ध्यान रखना। The timber is highly demanded domestically and internationally and especially in the East Asian country. और इनका जो timber होता है ये बहुत demand में है, यानी इनकी जो लकड़ी होती है timber वो बहुत ज़्यादा demand में है, इसकी वजह से इनकी requirement होती है। ठीक है, लेकिन ये जो plants होते हैं इनका बहुत ज़्यादा exploitation होता है। ठीक है, इनका exploitation बहुत ज़्यादा होता है, furniture के लिए इनकी smuggling हो जाती है, और इनमें एक सेंटालिन
एक रेड पिगमेंट पाया जाता है उसके लिए भी इनको, यानी इन प्लांट्स को क्या किया जाता है, ज्यादा यूज किया जाता है, और जो डाई कलरेंट इन फूड, मेडिसिन और कॉस्मेटिक बनाने के लिए यूज होता है। तो इसका सोचो आप कि इस प्लांट का बहुत ज्यादा यूज है, टिम्बर के लिए तो जरूरत है ही है, जापान में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, जापान में बहुत डिमांड है इसकी। इसमें जो सेंटालिन पाया जाता है, जो रेड पिगमेंट होता है बेसिकली, वो कलर के लिए, डाई के लिए, उनमें सब में यूज किया जाता है, इसलिए इसकी डिमांड होती है। IUCN ने इस प्लांट को, रेड सैंडल को, एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, यानी किस में रखा हुआ है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। तो दिस प्लांट इज कैटेगराइज इन एंडेंजर्ड कैटेगरी। ठीक है, तो इसका इकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। तो रेड सैंडल्स का जो इकोलॉजिकल स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रेड सैंडल्स ईस्टर्न एरिया में पाए जाते हैं, एंडेमिक स्पीसीज है, ये एंडेंजर्ड है, इनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। देखो दिस इज द रेड सैंडल्स, पिक्चर ऑफ दिस रेड सैंडल्स। ठीक है, तो देखो ये रेड कलर के होते हैं, इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके और उनको कलरिंग के लिए, फूड में जो कलर डाला जाता है उसके लिए, ठीक है, डाई के लिए, और भी मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर? वन हॉर्न राइनोसिरोस को देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। ठीक है, तो अभी WWF इंडिया हैज रिसेंटली पब्लिश द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। ठीक है, जिसमें प्रिवेलेंस ऑफ द एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन इन फ्री रेंजिंग ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसिरोस फॉर असम एंड द वेस्ट बंगाल, यानी एक रिपोर्ट आई, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जिसमें असम और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है इस रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट में क्या बोला गया। ठीक है, सिंस 2017 राइनो टास्क फोर्स ऑफ द असम, ठीक है, राइनो टास्क फोर्स, ये टास्क फोर्स क्या करती है, इनलीगल जो पोचिंग होती है राइनोस की उसको बचाती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया हैव बीन अंडरटेकिंग स्टेप्स टू स्टडी द पैथोजेंस फाउंड इन द फ्रेश राइनो डंग सैंपल इन असम, उत्तर प्रदेश एंड द वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जो राइनो डंग होता है, ठीक है, उसमें जो पैथोजेंस होते हैं उसके सैंपल को लेकर के ये लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो टास्क फोर्स है ये 2017 से स्टडी कर रही है और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है। तो वन हॉर्न राइनोस के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी हमने सारी कैटेगरीज देखी थी जो कि पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जो सवाना ग्रासलैंड रीजन होता है या सबलैंड्स, उसमें पाए जाते हैं। और इंडियन राइनो वंस रेंज अक्रॉस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पहले ये सभी रीजन में पाए जाते हैं लेकिन अब ये सिर्फ ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लिख हैं ये। ठीक है, और ये सभी राइनो स्पीसीज में सबसे बड़े होते हैं, ये आपको मैंने अभी बताया था कि इट इज द लार्जेस्ट वन ऑफ द राइनो स्पीसीज, सबसे बड़े यही होते हैं और इनमें सबके पास में एक सिंगल हॉर्न होती है। बाकी जो अफ्रीकन या सुमात्रन राइनोज होते हैं उनके पास में डबल हॉर्न होती है, तो ये भी ध्यान रखना है, सिंगल हॉर्न होते हैं सब में, मेल और फीमेल में। इंडियन राइनोज आर द सेकेंड साइज ओनली टू द एशियन एलिफेंट, यानी एशियन एलिफेंट से अगर आप देखो तो यही सबसे दूसरे नंबर पे आते हैं, एशियन एलिफेंट से बड़ा इनसे और कुछ नहीं होता, कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो इनसे बड़ा हो। तो एशियन एलिफेंट सबसे बड़े होते हैं और सेकेंड नंबर पे कौन आते हैं, ये जो राइनोसिरोस होते हैं। ठीक है, वन हॉर्न राइनोस हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा किसमें, ब्रह्मपुत्र बेसिन के रीजन में पाए जाते हैं ये। ठीक है, असम के रीजन में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सब इसके लिए फेमस हैं। राइनोस को कंजर्व करने के लिए हमने क्या क्या प्रोग्राम चलाया है, तो ये ध्यान रखना, 2005 ने इंडिया में राइनो विजन चलाया गया था, 2020 प्रोग्राम। ठीक है, इंडियन राइनो विजन 2020, ठीक है, एक प्रोग्राम चलाया गया था जो पार्टनरशिप किसके किसके बीच में था, WWF इंडिया और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के बीच में। तो WWF इंडिया और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के बीच में एक प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक, एक विजन था जिसको क्या कहा जाता था, इंडिया राइनो विजन 2020, IRV 2020। और इस विजन के तहत जो मानस नेशनल पार्क है इसको फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया अंडर द IRV 2020 डिक्लेयर किया गया था। ठीक है,
यानी आप देखो यहाँ पे इंडियन विजन राइनो, यानी इंडियन राइनो विजन 2020, जिसमें मानस नेशनल पार्क जो है वहां पर राइनोसेरोस को रीइंट्रोड्यूस करवाया गया, और रीइंट्रोड्यूस करवाया गया फर्स्ट ऐसी साइट जिसको इस आईआरवी 2020 के अंडर में डिक्लेयर किया गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन्होंने किसको डिक्लेयर किया, मानस नेशनल पार्क को जो है आईआरवी के अंतर्गत डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट साइट जहां पर राइनोस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, तो बस राइनोसेरोस में वल्नरेबल ध्यान रखना कि ये कैसे हैं वल्नरेबल। अगला हम लोग देखते हैं ब्राउन बियर। ठीक है, हिमालयन ब्राउन बियर, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई जिसमें बोला गया है कि इनका जो हैबिटेट है वो हैबिटेट डिक्रीज हो रहा है। तो हिमालयन ब्राउन बियर क्या होते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ पर, ये मोस्टली हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, और इनसे बोला जाता है कि हिमालयन ब्राउन बियर जो है इनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा 2050 तक। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पूरी तरीके से इनका हैबिटेट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हिमालयन ब्राउन बियर जो है इनके रहने वाली जो इनके फेवरेबल हैबिटेट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे 2050 तक ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। ठीक है, इनको हिमालयन रेड बियर भी कहते हैं, इजाबलाइन बियर भी कहते हैं, जूते भी कहा जाता है। ठीक है, ये इज अ सब स्पीसीज ऑफ द ब्राउन बियर, और ये सब स्पीसीज होते हैं ब्राउन बियर का। इट इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्दर्न अफगानिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्ट चाइना एंड नेपाल। ठीक है, ये इन जगहों पर पाए जाते हैं, यानी हमारे अगर हम लोग बोलते हैं तो हिमालय और उसके आसपास के जो एरिया है जहाँ पर हिमालय और उससे रिलेटेड जो माउंटेनस रीजन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेपाल में भी, तिब्बत में भी, चाइना के रीजन में, इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में, पाकिस्तान के भी नॉर्दर्न हिस्से में, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, सब जगहों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसी स्पीसीज है जो भूटान से एक्सटिंक्ट हो गई है। ध्यान रखना, भूटान से ये लगभग क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी भूटान में अब नहीं मिलते, पहले ये मिलते थे। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है, अब जैसे जैसे इनका हैबिटेट जो है वो डैमेज होगा वैसे वैसे इनकी संख्या, इनकी पॉपुलेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, IUCN की स्टेटस में ये क्या है, लीस्ट कंसर्न है। ये ओमनीवोरस होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स जो बियर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ओमनीवोर्स यानी ये ग्रासेस वगैरह भी खा सकते हैं और साथ ही साथ में मीट वगैरह भी खाते हैं। तो ये ओमनीवोर्स होते हैं, IUCN स्टेटस में ये कैसे हैं, लीस्ट कंसर्न। ये पिक्चर आपको दिखाई पड़ रही है। उसके बाद में गिर लायन। ठीक है, अगली स्पीसीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, गुजरात के गिर रीजन में जो एशियाटिक लायन होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गिर लायन। और एशियाटिक लायंस का गिर रीजन जो है एक ही ऐसा नेटिव प्लेस है जहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो गिर लायन का रीजन, गिर जो लायन है या एशियाटिक लायन है वो गुजरात के गिर रीजन में पाई जाती है, वही एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये लायंस हैव बीन स्पॉटेड इन द गुजरात जैसडन एरिया, जो जैसडन एरिया है वहां पर ये स्पॉटेड हुए हैं, यानी देखा गया है इनको। अब एशियाटिक लाइन के फीचर्स क्या हैं इनको हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या इनके लिए। साइंटिफिक नेम इनका होता है पैंथेरा लियोलियो। ठीक है, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस होता है टाइगर का, वैसे इसका पैंथेरा लियोलियो होता है। IUCN स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है। ठीक है, IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। एशियाटिक लायंस आर सर्वाइविंग टुडे ओनली इन द इंडिया, और इंडिया में भी कहाँ पर, मोस्ट जो इनका नेचुरल प्लेस है वो कौन सा है, गिर, और ये गिर कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, गिर रीजन इन द गुजरात, तो वहां पर पाए जाते हैं। सिंस द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी द रेंज इज रिस्ट्रिक्टेड टू द गिर नेशनल पार्क एंड द सराउंडिंग एरियाज, यानी गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास के रीजन में इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वहां पर ये मिलते हैं। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी है इनकी, कैटेगरी कैसी है, एंडेंजर्ड हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही, एशियाटिक लायंस को रीइंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खास बात क्या है। गिर नेशनल पार्क गुजरात के गिर रीजन में, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जूनागढ़ के डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, और ये एशियाटिक लायन का ओनली प्लेस है एशिया में जहाँ पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं गिर रीजन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो लायन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, और इस रीजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लायंस की कहाँ पर है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में।
दूसरा कमलेश्वर डैम जो है वो कहां पर लोकेटेड है? कमलेश्वर डैम इसी गिर के पार्ट में लोकेटेड है और इसी को क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ द गिर भी कहा जाता है। इस गिर रीजन में टीक और अकासिया, ठीक है, ये दो प्लांट्स पाए जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसमें जो मेजर फ्लोरा है, फौना है, वो कौन से हैं? एशियाटिक लायन, एंडेंजर्ड मगर, क्रोकोडाइल वल्नरेबल, इंडियन लेपर्ड, स्टिप्ड हाइनास, गोल्डन जैकाल वगैरह, और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बोलूँ कि गिर में जो एशियाटिक लायन होते हैं, इन एशियाटिक लायन के साथ में एक ट्राइब होती है जो आप कह सकते हो कि सिम्बायटिक रिलेशन में रहती है इनके साथ में। उस ट्राइब का नाम आपको बताना है, किसी को पता है इस ट्राइब का नाम क्या है? गिर फॉरेस्ट रीजन में एशियाटिक लायन के साथ में म्यूचुअली रिलेशन के साथ में एक ट्राइब रहती है और उस ट्राइब को क्या कहा जाता है? वेस्ट ट्राइब इज लिव विद द सिम्बायटिक रिलेशन विद द गिर फॉरेस्ट, गिर एशियाटिक लायन इन गुजरात रीजन। इस ट्राइब का नाम बताओ, किसी को अगर पता हो तो फटाफट आप इस ट्राइब का नाम बताओ। किसी को पता है कौन सी ट्राइब है ये गिर रीजन में पाई जाती है, क्या बोलते हैं इसको? इन शेरों के साथ में वो रहते हैं और ये शेर उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाते। किसी को पता है? उनका नाम है मालधारी ट्राइब्स। याद रखना इनको, ठीक है, मालधारी। ओके, फिर उसके बाद में अगली स्पीसीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कई बार मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। एक दो बार मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है, ठीक है। ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है और वन ऑफ द हैवीएस्ट बर्ड विच कैन फ्लाई, ठीक है। और ये हमारा जो राजस्थान का और जो पाकिस्तान से लगा वाला जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान, फाउंड इन द ड्राई ग्रासलैंड एंड द सब रीजन, ठीक है, बेसिकली फाउंड इन द राजस्थान रीजन। इट्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन आर फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, जैसलमेर के आसपास में मिलती है। और जो हमारा एक नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान में, वहां पर भी मिलती हैं ये। आयुषन स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। आयुषन स्टेटस क्या है इनका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हमारे शेड्यूल में फर्स्ट में है, यानी हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ये शेड्यूल फर्स्ट में, यानी इनको आप मार नहीं सकते हो, ठीक है। और इनके लिए प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, इनकी हंटिंग हो जा रही है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जो मर रही हैं, ये जो पावर लाइन्स होती ना, उन पावर लाइन से कोलाइड करके मर जाती हैं, ठीक है। यानी दे हैव अ पुअर फ्रंटल विज़न, यानी इनका जो सामने का देखने का जो विज़न होता है वो बहुत कम होता है, और जिसकी वजह से ये जा करके जो पावर लाइन्स होती हैं, वायर्स होते हैं, उनसे टकरा करके मर जाती हैं। तो ये भी एक इनके लिए प्रॉब्लम्स है, ये भी प्रॉब्लम है, पावर लाइन से टकरा करके मर जाती हैं।
मालधारी ट्राइब लिव इन द गिर रीजन, गिर गुजरात, ठीक है, शेरों के साथ में रहते हैं ये लोग। दिस इज द पिक्चर ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आयुसियन स्टेटस रीजन कहाँ पर मिलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला है हिमालयन ग्रिफन वल्चर, ठीक है, हिमालयन ग्रिफन वल्चर जो है इसको क्या देखते हैं, तो इसका कॉन्टेक्स्ट है हिमालयन ग्रिफन वल्चर हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द पॉइंट कैलेमरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। तो पॉइंट कैलेमरे जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, तमिलनाडु में, और उस तमिलनाडु में ये हिमालयन ग्रिफन वल्चर देखने को मिला, ठीक है, यानी जो नॉर्दर्न पोर्शन में पाया जाता है वो कहाँ पर, साउथ में जाकर के देखने को मिला, पहली बार इस टाइप की फिनोमेना देखने को मिली। तो हिमालयन ग्रिफन वल्चर इज फाउंड अलॉन्ग द हिमालयस एंड एडजॉइनिंग द तिब्बत प्लेटू, यानी बेसिकली कहाँ पर, हिमालय और तिब्बत प्लेटू के रीजन में मिलता है, लेकिन ये हमें कहाँ पर देखने को मिला, तमिलनाडु के रीजन में। तो ये अपने आप में एक चेंजिंग बिहेवियर शो करता है कि जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो ये बर्ड्स वगैरह होते हैं ये अपना नेटिव प्लेसेस चेंज कर रहे हैं। आयुसियन स्टेटस में ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, यानी क्या है, नियर थ्रेटेंड है, और इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है कि हिमालयन वल्चर्स आर सस्पेक्टेबल टू टॉक्सिसिटी ऑफ द इंड्यूस्ड डाइक्लोफिनैक, ठीक है, डाइक्लोफिनैक आप जानते हो कि दिस इज द पेन किलर, डाइक्लोफिनैक इज बेसिकली अ पेन किलर विच इज गिवन टू द कैटल्स, और जब कैटल्स की डेथ हो जाती है तो ये जो डाइक्लोफिनैक है ये उनके फैट में डिपॉजिट हो जाता है, और जब फैट में डिपॉजिट हो जाता है तो ऐसे में जब इन डाइक्लोफिनैक को ये वल्चर्स खाते हैं, यानी उनके फैट को, या जब कोई जानवर मर जाता है तो मरने के बाद में जब उसको ये कंज्यूम करते हैं तो ये डाइक्लोफिनैक इनके बॉडी में आ जाता है, और ये डाइक्लोफिनैक ये पेन किलर है जो कि इनकी किडनी को डैमेज कर देता है, और इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि पेन किलर किडनी डैमेज करता है, तो इनकी किडनी डैमेज कर देता है। दूसरी बात, इनमें बायो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है, सॉरी बायो मैग्नीफिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो बायो मैग्नीफिकेशन की प्रोसेस जब होती है तो ऐसे में इनकी बॉडी में, क्योंकि ये सॉल्व जो है ये फैट डिजॉल्वेबल है, फैट में डिजॉल्व होता है, और फैट में डिजॉल्व जब होता है बायो मैग्नीफिकेशन की प्रोसेस होती है, बायोमैग्नीफिकेशन में जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो इनके बॉडी में इनके वेट के कंपैरिजन में जो डाइक्लोफिनैक या जो पॉल्यूटेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और जब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो इनके ऊपर उसका असर ज़्यादा होता है, और इनकी फिट किडनी फेलियर की प्रॉब्लम होने लगती है, तो इनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो वल्चर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया वो किसने किया, डाइक्लोफिनैक। जब आप भी कोई भी पेन किलर मेडिसिन लेते हो तो उसको कभी पढ़ना आप, ठीक है, तो उसमें डाइक्लोफिनैक मिलती होती है, ठीक है, डाइक्लोफिनैक होती है, और पीसेस वगैरह में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वल्चर्स के एक्सटिंक्ट के लिए कौन सी मेडिसिन रिस्पॉन्सिबल है, तो डाइक्लोफिनैक, और डाइक्लोफिनैक इज बेसिकली अ पेन किलर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये इसकी वजह से इनकी डेथ होने लगती है। हिमालयन सीरो, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिमालयन सीरो, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम ये है जो फर्स्ट टाइम इन द हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन, यानी पहली बार ये हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन में देखने को मिली, ये कोल्ड डेजर्ट रीजन में नहीं देखने को मिलती थी नॉर्मली, ठीक है। तो इनका हैबिटेट जो है वो बेसिकली हैबिटेट रीजन इनका टिपिकली फाउंड इन द एल्टीट्यूड बिटवीन द 2000 मीटर टू 4000 मीटर, ठीक है, उसमें मिलते थे। आयुसियन स्टेटस इनका क्या है, वल्नरेबल, ठीक है, और ये हमारे शेड्यूल वन में है हिमालयन सीरो, ठीक है, जिनकी आप, जिनको आप मार नहीं सकते, ये बकरी की एक प्रजाति है, देखो ये वाइल्ड क्लियर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, तो ये भी ध्यान रखना, हिमालयन सीरो से यूपीएससी क्वेश्चन बना चुकी है एक बार, इस बार इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। हम बैक्ड मशीर इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक,
तो हम बैक्ड मशीर क्या है, एक फिश है, ठीक है। हम बैक मशीर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ध्यान रखना इट इज द फ्रेश वाटर फिश जो कि इंडिया में कावेरी बेसिन में पाई जाती है, कावेरी रिवर बेसिन में पाई जाती है, ठीक है। और इसको टाइगर ऑफ वाटर भी कहते हैं, दिस फिश इज ऑल्सो कॉल्ड द टाइगर ऑफ द वाटर, इसको टाइगर ऑफ वाटर भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका IUCN स्टेटस जो है वो भी रिसेंटली हुआ है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये मशीर जो है, हम्पबैक मशीर जो कि कावेरी रिवर बेसिन में पाई जाती है, फ्रेश वाटर फिश है, इसको देखो तो इसको देख, इसको क्या बोला जाता है, टाइगर ऑफ द वाटर कहा जाता है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इस बार के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी, ठीक है। और इसमें जो वाटर फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं डैम्स वगैरह बना करके, फिशिंग करने के दौरान जो नेट होता है उस नेट को बहुत डीप डाल देते हैं, जिसमें ऐसी फिशेज भी जो जिनको नहीं पकड़ना है वो भी पकड़ जाते हैं, तो इस वजह से इनकी डेथ यानी इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगी। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे जो लेपर्ड सेंसस हुआ है 2018 में, उस सेंसस में बोला गया कि हमारे यहाँ पर लेपर्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज की है, यानी लेपर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज की है, और वो भी लगभग कितना, 60% इंक्रीज की है ये पॉपुलेशन। ये सेंसस वही है जो लास्ट ईयर था, आज भी यही है, ठीक है। तो ये हर चार साल में होता है, 18 में हुआ है, 20 में रिपोर्ट आई इसकी, तो अभी यही काम करेगा। तो आपको इसके बारे में देखना है कि हमारे यहाँ पर 60% से लेपर्ड बढ़े हैं। लेपर्ड की कंडीशन क्या है, IUCN स्टेटस लेपर्ड का वल्नरेबल है, ठीक है, यानी ये वल्नरेबल है, और हमारे WPO के शेड्यूल वन में है। इनकी पॉपुलेशन बहुत, इनके वो इनकी हंटिंग हो जा रही थी, पोचिंग हो जा रही थी, तो अभी हमारे यहाँ पर इंडिया में 12,852 लेपर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्स हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। 60% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन 2014 के कंपैरिजन में। और सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड हमारे इंडिया में है वो मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में लेपर्ड भी सबसे ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में टाइगर्स भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश 3421 लेपर्ड्स में है और टाइगर में जो है 526, यानी टोटल इंडिया में 2967 टाइगर्स हैं, जिसमें से 526 टाइगर सिर्फ कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। और हमारे यहाँ पर जो लेपर्ड हैं उन लेपर्ड की पॉपुलेशन में 3421 जो है वो मध्य प्रदेश में है। सेकंड नंबर पे कर्नाटका है, तो टाइगर में भी कर्नाटका ही है, 524 टाइगर्स कर्नाटका में है। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है लेपर्ड में, और टाइगर में उत्तराखंड है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे टाइगर में उत्तराखंड है। सेंट्रल इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड फॉलोड बाय द ईस्टर्न घाट, और सबसे ज़्यादा लेपर्ड जो है वो कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया में। तो यहाँ पर ध्यान रखो, लेपर्ड का क्या कंडीशन थी, यानी वल्नरेबल, लायन एंडेंजर्ड है, और टाइगर भी क्या है, एंडेंजर्ड है। तो टाइगर और लायन एंडेंजर्ड है, और वहीं पर जो लेपर्ड्स होते हैं वो कैसे हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखो IUCN ने अपनी रेड लिस्ट को अपडेट किया है, तो अपडेट किया है तो उसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या अपडेशन हुआ है, और जो अपडेट हुई है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इस बार, देखते हैं हम लोग क्या चेंज है। IUCN अपडेटेड इस रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीशीज रिसेंटली। IUCN इज एन NGO, IUCN क्या है, एक NGO है, बेसिकली ध्यान रखना IUCN इज एन NGO वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। तो IUCN जो है UN वगैरह का किसी का पार्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक NGO है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लैंड, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अगली एक स्पीसीज है
कोलार लीफ नोस्टेड बैट, ठीक है। कोलार रीजन कहाँ पे है? कोलार एक रीजन है कर्नाटका में। कोलार लीफ नोस्टेड नोज्ड बैट, कोलार लीफ नोज्ड बैट, ठीक है। एक बैट है जो कि इंडिया की एंडेमिक स्पीसीज है। इट इज़ द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये क्या है? इंडिया की एंडेमिक स्पीसीज है और इसको ध्यान रखना। इज फाउंड ओनली टू द केप्स इन द विलेज ऑफ द हनुमान हली इन कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। ये सिर्फ कहाँ पर मिलते हैं? ओनली फाउंड इन ओनली टू केप्स इन द विलेज ऑफ दिस विलेज, ठीक है। तो कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, उसमें दो केप्स हैं, उनमें ही मिलते हैं ये। तो ये एंडेमिक टू इंडिया है और IUCN स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी ये कैसे हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो कोलार लीफ नोज्ड बैट जो होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये बैट्स जो होते हैं ये पॉलिनेटर का काम करते हैं, पॉलिनेटर होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन में इनका रोल होता है, बस इतना ध्यान रखो, इतने से काम आएगा, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। ये देखो इनका पिक्चर ये है, ठीक है। नेक्स्ट मलायन जायंट स्क्विरल, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज प्रोजेक्टेड दैट नंबर्स ऑफ द मलायन जॉइंट स्क्विरल कुड डिक्लाइन बाय 90% इन इंडिया बाय 2050। यानी हमारे यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ने बोला कि इस पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन 90% से लगभग जो है वो कम हो जाएगी अगले आने वाले 20-30 सालों में, यानी 2050 तक इसकी पॉपुलेशन जो है वो डाउन हो जाएगी। कितनी? 90%, तो लगभग एक्सटिंक्ट, यानी ये क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। अबाउट द ये मलायन जो जायंट स्क्विरल होती है ये क्या है? तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्विरल ऑफ द स्पीसीज, यानी स्क्विरल स्पीसीज है, और ये हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है। यानी साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है, और उसके साथ साथ में इंडोनेशिया का जो रीजन है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनोई, ये जो रीजन होते हैं ये सारे रीजन में पाए जाते हैं। और इंडिया में ये कहाँ पर मिलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और ये ग्रीन एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन में मिलते हैं, ठीक है। और इनका जो IUCN स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है, यानी अभी ये क्या है? नियर थ्रेटेंड है। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं, जो डेटा दिया है GSI ने, और GSI के डेटा के हिसाब से 2050 तक इनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होकर के 90% रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज़ द स्क्वायरल, इसकी बात की जा रही, इनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इनके पॉपुलेशन की बात की जा रही है, तो इनका नाम ध्यान रखना, IUCN स्टेटस याद रखना, GSI के बारे में आप देख लो थोड़ा सा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च इन 1916, ध्यान रखना, बिफोर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1916 में। और इसका मेन काम था प्रमोट सर्वे, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च टू एनहेंस द नॉलेज रिगार्डिंग द फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। यानी फ्लोरा और फाउना से रिलेटेड इसको क्या करना था? सर्वे करना था, एक्सप्लोरेशन करना था, रिसर्च करना था। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो एनिमल टैक्सोनॉमी से रिलेटेड ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो दिस इज द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमी, ठीक है, एनिमल टैक्सोनॉमी। और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। यानी शुरुआत में इसके पास में फ्लोरा फौना दोनों थे, ठीक है। फिर अब उसके बाद में हमारे पास में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी आ चुका है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये सिर्फ किसको देखता है? एनिमल टैक्सोनॉमी को देखता है, प्लांट टैक्सोनॉमी से नहीं, को नहीं देखता। लेकिन शुरू में जब बनाया गया था तो ये फ्लोरा और फौना दोनों के लिए था, ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना आपको। इट हैज़ बीन डिक्लेयर एज द डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी फॉर द नेशनल जियोलॉजिकल कलेक्शन, ठीक है। यानी ये जियोलॉजिकल कलेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस GSI is exploration, survey, inventory, monitoring of the fauna diversity in the various state. ठीक है, only faunal ध्यान रखना, in present time only faunal, not flora. ठीक है, periodic review of the status of the threatened
एंडेमिक स्पीसीज, यानी ये थ्रेटेंड जो एंडेमिक स्पीसीज होता है उनका पीरियोडिक रिव्यू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द रेड डेटा बुक फौना ऑफ इंडिया एंड फौना ऑफ द स्टेट, यानी ये स्टेट और इंडिया का भी रेड डेटा बुक निकालते हैं, कौन सा, फौना से रिलेटेड, ठीक है। प्रिपरेशन द डेटाबेस फॉर द रिकॉर्डेड स्पीसीज ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी रिकॉर्डेड स्पीसीज की ये डेटाबेस रखते हैं और ये मेंटेन करते हैं नेशनल जियोलॉजिकल कलेक्शंस को, यानी जो नेशनल जियोलॉजिकल कलेक्शंस होते हैं उसको मेंटेन करना, यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक फ्लोरा सॉरी फौना से रिलेटेड ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की नेशनल लेवल पे। ओके, तो ये स्पीसीज, उसके बाद में अगली स्पीसीज है पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल, ठीक है। ये टर्टल जो है इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों पूछ देख रहे हैं हम लोग, तो पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल हैज बीन रेस्क्यूड फ्रॉम द फिश मार्केट इन असम सिलचर। तो सिलचर में एक फिश मार्केट से एक सॉफ्ट सेल टर्टल जो है उसको रेस्क्यू किया गया और जिसकी वजह से ये न्यूज में आया, ठीक है। तो पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। और ये स्पीसीज बेसिकली कहाँ पर, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रीजन में रहते हैं। दे फाउंड रिवर स्ट्रीम लेक्स पॉन्ड्स विद द मड्स एंड द सैंड बॉटम्स, ठीक है, यानी मड्स और सैंड बॉटम में रहते हैं। इनकी स्टेटस वल्नरेबल है, यानी ये कैसे हैं, वल्नरेबल स्टेटस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन में है, तो शेड्यूल वन में है तो इनको आप इस तरीके से मार्केटिंग या इनकी किलिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। इसी वजह से इनको रेस्क्यू किया गया, पकड़ा गया। अब इनमें थ्रेट क्या है इसको देखते हैं हम लोग, इनको क्या नुकसान है। स्पीसीज इज हैवली एक्सप्लॉयटेड बाई इट्स मीट फॉर इट्स मीट एंड द कैलपी आउटर कार्टिलोगनस रिम ऑफ द शेल, यानी जो शेल होता है इसका ऊपरी भाग। ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन इंक्रीज इन द रिवर ट्रैफिक एंड द सैंड माइनिंग अमंग अदर्स, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इनके ऊपर खतरा है, थ्रेट्स है। और इनको आप देखो तो इनकी बॉडी यानी इनका जो शेल है इसमें जैसे पिकॉक के ऊपर होता है उस टाइप से कुछ होता है, इसीलिए इनको पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल कहा जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। सिंपल इसमें देखते हैं क्यों है। एनजीटी आस्क कमर्शियल एंटिटीज टू फॉलो न्यू रूल्स फॉर गेटिंग परमिशन टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर, यानी एनजीटी ने बोला कि अगर आपको ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना है तो जो नए रूल्स हैं उन रूल्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। एनजीटी हैज स्ट्रक डाउन द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटीज 2020 गाइडलाइंस सेइंग दे वर अगेंस्ट द लॉ, और इसमें इन्होंने क्या बोला कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी किया था जिसको एनजीटी ने खारिज कर दिया, ठीक है। अब एनजीटी की गाइडलाइन क्या है इसको देखते हैं हम लोग कि एनजीटी ने क्या गाइडलाइन दिया है। Environmental impact assessment will now from the basis of the granting such permission, ठीक है, यानी environmental impact assessment करना है जिसके basis पे ये दिया जाएगा। There must be no general permission for withdrawal of the groundwater particularly to any commercial entity without EIA of the such activity, यानी इसमें बोला कि जब तक आप ऐसी activity का environmental impact assessment नहीं करवाओगे तब तक आपको ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है, यानी एनजीटी का स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि जब तक आप इस टाइप से नहीं करोगे, यानी जब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करेंगे जब तक आप, तब तक आपको वाटर एक्सट्रैक्शन की परमिशन नहीं दी जा सकती है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट प्लान्स नीड टू प्रिपेयर फॉर ऑल ओसीएस, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेड क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल असेसमेंट, हर तरीके के आपको असेसमेंट करना है कि किस टाइप से एक्सप्लाइटेशन हो सकता है रिसोर्स का। परमिशन टू बी एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर मस्ट बी फॉर स्पेसिफिक टाइम क्वांटिटी ऑफ वाटर नॉट फॉर
परपेचुअटी, यानी बोला गया कि जो परमिशन दी जाएगी वो पर्टिकुलर टाइम के लिए दी जाएगी, क्वांटिटी भी बताई जाएगी। ये नहीं कि आपको एक बार परमिशन दे दी आप निकालते रहो, वाटर एक्सट्रैक्ट करते रहो। इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा और उसका एक टाइम फिक्स होगा, ठीक है। और ये गाइडलाइंस वगैरह कब और क्यों दी जाती है, there was no claim over groundwater levels improving nor was there any projection for the future improvement in last past 23 years regulation by the central groundwater board। yani ye hamare yahan pe aise aise organizations hai na jo masti mein rehte hain, pata nahi kya bhang bhang khaye rehte hain, theek hai। matlab pichle 23 saal se groundwater board ne yahi nahi bataya ki hamare yahan par groundwater badh raha hai, kam ho raha hai, kya ho raha hai, usse koi matlab nahi hai, inka koi strict decision nahi hai inka, theek hai। और इसमें अभी देखो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बताई और इसमें बोला कि 122 कंट्रीज में अगर देखा जाए तो ग्राउंड जो वाटर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें हम लोग बहुत नीचे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर क्वालिटी है वो बहुत रिड्यूस हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। लेकिन बाकी इन सब चीज़ों को ये जो है ये संस्था बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी। अब NGT और इनके बारे में देख लेते हैं, दोनों के बारे में, ये दोनों किस एक्ट से बने हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यू से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए NGT का गठन किया गया था, NGT को फॉर्म किया गया था। और आर्टिकल 21 हमारा जो राइट टू लाइफ है, उस राइट टू लाइफ में हमारा ये भी राइट है कि हमें क्लीन एयर मिले, हमें क्लीन एटमॉस्फेयर में जिसमें हम लोग सर्वाइव कर सकें। तो क्लीन एयर एंड क्लीन एटमॉस्फेयर इज द राइट टू लाइफ, राइट आर द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21, ठीक है। और इसमें NGT को इस्टेब्लिश किया गया था NGT एक्ट 2010 के अंतर्गत, और जिसमें बोला गया था कि कोई भी अगर इशू यहाँ पर आता है तो उसको विद इन 6 मंथ के अंदर क्या किया जाएगा, डिस्क्लोज कर लिया यानी डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो 6 मंथ के अंडर में ही NGT क्या करती है, एनवायरमेंट सेक्टर जो इश्यूज होते हैं उसको डिस्पोज करती है, ठीक है। तो इसको याद रखना। और इसका जो मेंबर होता है, चेयरमैन जो होंगे, वो चेयरमैन बेसिकली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सर्विंग और द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ठीक है। यानी कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इसका जो है वो मेंबर हो सकता है। NGT से रिलेटेड NGT किन किन एक्ट पे काम करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NGT की पावर, NGT कुछ एक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड अगर कोई वायलेशन होता है तो NGT काम करते हैं। इसमें इन एक्ट्स को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सिस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इन एक्ट्स में, यानी ये जो 7 एक्ट्स हैं, इन 7 एक्ट से रिलेटेड अगर कोई वायलेशन होता है तो NGT उसको कंसीडर करती है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसको शामिल नहीं किया गया है। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से रिलेटेड वायलेशन होता है तो उसको NGT है उस पर उसका पावर नहीं होता है, उस पर उसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उस पर NGT की पावर नहीं होती है। साथ ही साथ में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है उस पर भी इसका कोई पावर नहीं होता है, ठीक है। NGT के जो डिसीजंस होते हैं इनकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कि NGT अगर कोई डिसीजन देती है तो इफ NGT ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज, यानी 90 डेज के अंदर भी आप NGT के पावर्स को या NGT के वर्डिक्ट को आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।